क्या वाजे अपने दम पर वसूली कर रहा था या किसी को कुछ पता नहीं था? बोलिए असगर खान। इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है जी, इन्वेस्टिगेशन मैं बोल रहा हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और इन्वेस्टिगेशन अभी अपनी इनिशियल स्टेज में है। अभी ये सब पत्ते खुलने वाले हैं कि इसमें जिम्मेदार कौन है, कौन लोग स्टेट से जिम्मेदार हैं, कौन लोग सेंटर से जिम्मेदार हैं, और जो लोग अब अगर चूंकि इन्वेस्टिगेशन फेयर होता है, आगे बढ़ता है, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और किसने क्या किया है, किसके साथ क्या हुआ है, वो सब सामने आ जाएगा। आज हाई कोर्ट ने जैसे बात कही कि भाई FIR नहीं हुए है इसलिए इन्वेस्टिगेशन उस पर नहीं हो सकता, हालांकि खैर हाई कोर्ट को एम्पल पावर है, कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं, सो मोटो एक्शन ले सकते हैं, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये चीज सामने आ रही है नहीं, तो जो, जैसे जो ये एविडेंस आ रहा है, देखने वाली बात ये भी है, देखने वाली बात ये भी है। गौरव गोयल वो बोलने में डर लग रहा है असगर खान को, ये असलियत जो एक एक करके खुल रही है, इसी के बाद तो अब डर लग रहा है ना इन लोगों को। गौरव गोयल जो ये सब कुछ मैनिपुलेटेड भी हो सकता है, ये हो सकता है कि मैनिपुलेटेड हो, कोई जरूरी नहीं है मैनिपुलेटेड हो सकता है। जांच तो हो रही है ना, अभी कह रहे हैं जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जांच हो रही है। जांच हो रही है तो इनको क्या परेशानी है? मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्ड कि फियर जांच होना चाहिए। अरे फियर नहीं, फियर होता है सर, हम तो कह रहे जांच होनी चाहिए, फियर जांच नहीं होती है, जांच फियर नहीं होती है, जांच फियर नहीं होती है, फियर नहीं होती है, फियर इन्वेस्टिगेशन होती है सर। सेंटर का कोई दबाव आ जाएगा, कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। डीके दुबे जी नहीं नहीं बोलते बोलते सच बोल गए। अगर 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 सब अगर अगर सब फियर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर सब फियर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अरे सर फियर नहीं होता है, फियर इन्वेस्टिगेशन होता है सर, फियर नहीं होता है, बुरा क्यों कहते हैं? बोलिए डीके दुबे, अगर अगर अरे भाई इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसकी चार्जशीट बनती है, चार्जशीट कोर्ट में जाती है, कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेता है, कॉग्निजेंस और कोर्ट में जिस समय मामला जाता है तो सब अपने आप सामने आ जाता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं हो सकता, इतने बड़े केस में इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग डायरेक्शन में हो ये संभव नहीं है। आप कह रहे हैं मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट, मैं अगर बीजेपी की बात करूं तो वो भी अपने हाथ क्यों जलाना चाहेंगे? अच्छा खासा उनका चल रहा है। नहीं देखिए, अगर अगर मैं ये बात आप समझ लें कि अगर मैनिपुलेशन होता है तो बड़े केसेस में होता है, और ये तो पूरा केस, ये टोटली पॉलिटिकली अच्छा मुझे बता दीजिए, अगर इस मामले में बात यहाँ पर आती है, अगर इस मामले में हम परमवीर सिंह की बात करते हैं, रश्मि शुक्ला को क्यों भूल गए आप? रश्मि शुक्ला को क्यों भूल रहे हैं? रश्मि शुक्ला की चिट्ठी क्यों भूल रहे हैं? आप अगर कहते हैं परमवीर सिंह की चिट्ठी गलत हो गई तो रश्मि शुक्ला की चिट्ठी भी गलत थी क्या? तो खुद ही बात आती है कि अब सुबोध जायसवाल जिस समय डीजीपी हुआ करते थे, सुबोध जायसवाल CISF क्यों भेजे गए? ये बहुत सारे प्रश्न हैं सर। और कोई भी वजह, देखिए देश में कोई भी काम हो, प्रदेश में कोई भी काम होता है, बहुत सारे प्रश्न है जिनके जवाब सामने आएंगे। अगर प्रदेश की बात हम करते हैं तो बिना होम मिनिस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा कार्य हो ही नहीं सकता। 100-100 करोड़ का आपको मालूम है, परमवीर सिंह अगर ये चिट्ठी लिखते हैं और वो कोर्ट जाते हैं, एक आदमी फेयरली कोर्ट जा रहा है और कह रहा है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए। सर मेरी बात मत मानिए, आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन बिठाने के लिए क्या समस्या है? जो आप बात यहाँ पर आती है कि स्टेट गवर्नमेंट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अंदर पहले विड्रॉ की थी, सेंटर से संदीप त्रिपाठी जी, सवाल तो यही है और श्वेता विड्रॉ की थी क्या? विड्रॉ अगर सीआर इन्वेस्टिगेशन का इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी इनको ना जांच एजेंसी, फिर ये कहते हैं जांच करवा लो, ये किस तरीके के दोहरे मापदंड है? हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जांच FIR क्यों नहीं की परमवीर सिंह ने? 30 साल से नौकरी परमवीर सिंह कर रहे हैं, उन्होंने FIR क्यों नहीं की? हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा? माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आपको आपको FIR करनी चाहिए थी, FIR क्यों नहीं की? कैसे सीबीआई कैसे आज आप खड़े कर रहे हैं जबकि महाराष्ट्र के हाईकोर्ट, आप उल्टा हाईकोर्ट की निष्क्रियता बता रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप किस स्तर पर बात करने लगे हैं। देश के बड़े इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़े करते हैं, कभी सुशांत सवाल लगे जाते हैं, कभी इसलिए सरकार का जवाब तो जनता देगी। जब एक पूर्व सैनिक की पिटाई करते हैं, जब बिल्कुल आप नूपुर सही कह रही है, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब ये नहीं दे पा
पाएंगे। जो संदीप त्रिपाठी है जो कह रहे हैं कि नहीं भ्रष्टाचारी सरकार है, अरे सरकार में तो आप खुद भी है, लेकिन उस पर आप खुल के बोल नहीं पा रहे। डीके दुबे जी जब जांच की आग पहुंच गई ऊपर तक तो डर लग गया सबको। लड़की को चला रही थी तब आप, अरे आप रहने दीजिए सर, क्या बोल रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप मुंबई से निकल के पूरे पूरी दुनिया घुमाए लेकिन मुंबई की बात कर रही है। एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में क्या ये कह दिया जाए कि एनआईए ने जहां पर छापे मारे, जहां पर गई है, वहां पर बाकी जो करप्शन के चीजें मिली हैं क्या वो छोड़ दी जाए? क्या ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि एनआईए अगर इन्वेस्टिगेशन टेररिज्म के मामले में कर रही है और वहां पर अंदर सचिन वजे के दूसरे कारनामे मिले हैं तो उन कारनामों को कृपया करके छोड़ दीजिए और बाकी के मामले डील करिए, क्या वकील साहब ये कहना चाहते हैं? दूसरी बात, सीआरपीसी के सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को शायद इन्होंने सही से नहीं पढ़ा होगा, जिसमें ये व्यवस्था दी गई है कि अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में या कोई एजेंसी लगाई गई है उसको अन्य चीजें मिलती हैं कनेक्टेड मैटर में, वो कनेक्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि क्या सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जो विड्रॉ किया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, वो क्या इसलिए किया गया था कि करप्शन बहुत है और एंटी करप्शन के मामले में सीबीआई को स्वतः इन्वेस्टिगेशन करने का राइट था, और इसके अलावा किसी मामले में सीबीआई को स्वतः इन्वेस्टिगेशन स्टेट में करने का राइट नहीं होता, सिर्फ करप्शन के मामलों में। तो करप्शन के मामले पहले ही विड्रॉ कर दिए गए थे सीबीआई से, इसका तात्पर्य यह हुआ कि महाराष्ट्र सरकार को सब कुछ मालूम था, महाराष्ट्र सरकार उसमें इन्वॉल्व थी और उसको मालूम था कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। सवाल तो ये असगर खान, देखिए डीके दुबे जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर सबको सब कुछ पता था तो फिर सब चुप क्यों थे? देखिए असगर खान, अरे हम यही तो कह रहे हैं ना कि अगर सबको सब, अब ये बात इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए कि किस किस को क्या क्या पता था। अब आपने अभी आप मुझे बताइए, रश्मि शुक्ला की चिट्ठी जिस समय आई थी तो रश्मि शुक्ला की चिट्ठी के ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की गई? ये बात बनती है ना, वो तो आज से 8 महीने 10 महीने पुरानी चिट्ठी है ना, वो 10 महीने जैसे चोर की दाढ़ी। भैया आप लोकल इंटेलिजेंस जो है, लोकल इंटेलिजेंस अगर रिपोर्ट लिखती है और चिट्ठी लिखती है, क्या उसे उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या उस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान नहीं लेना चाहिए, होम मिनिस्ट्री को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या आप इन चीजों को कनेक्ट करके नहीं देख पा रहे? तो वो जायसवाल को आप हटाते हैं किस खुशी में? कभी आप कहते हैं पुलिस नाकारा, कभी नहीं देखिए पुलिस भी, क्या यकीन नहीं? दूसरी बात सबसे बड़ी आती है कि महाराष्ट्र सरकार के होम मिनिस्ट्री इसमें अगर इन्वॉल्व ना हो तो इतना बड़ा कांड हो ही नहीं सकता, और इसीलिए स्टेशन डायरी को छुपाया जा रहा है, इसीलिए पुलिस डायरी को छुपाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस डायरी स्टेशन डायरी पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट का पार्ट होता है सर, वो तो हो ही नहीं सकता किसी तरह से, लेकिन आप हाईकोर्ट को उठाना नहीं चाहते। सही बात आप कह रहे हैं डीके दुबे जी, और इस बात को कोर्ट ने भी कहा है कि स्टेशन डायरी गायब क्यों हो गई? अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात असगर खान आप कर रहे हैं ना, असगर खान अगर आप फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें कोऑपरेशन होना चाहिए, ना कि सबूतों को मिटाने का काम करना चाहिए, जो वाजे भी कोर्ट में कह रहा था कि सबूत मिटाए गए हैं, कार्ड में कौन कौन लोग थे, खुलकर बताना भी तो पड़ेगा। अब हर कोई क्यों छुपने की कोशिश कर रहा है? अरे संजय द्विवेदी आप सुनिए, आप जवाब नहीं दे पा रहे, सवाल किया डीके दुबे, डीके दुबे डीके दुबे बोलिए, अगर उस पर एजेंसी नियुक्त नहीं करती है तो सीधी सी बात है कि होम मिनिस्ट्री चाहती ही नहीं है कि उस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि कोई अधिकारी है तो वो होम मिनिस्ट्री है, वो अपने अधिकारी को लिख रहा है, ये उसका दायित्व तो बनता है, और उसने अपने होम मिनिस्टर को लिखा तो अब होम मिनिस्टर क्योंकि सर्वे सर्वा है, इसलिए होम मिनिस्टर तो आसानी से उस पर ऑर्डर कर सकते थे, कोई 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 स्पेसिफिक लॉजिक नहीं। भैया एफआईआर नहीं, आप मुझे बताइए ना, होम मिनिस्टर को किसने मना किया था एफआईआर दर्ज करवाने के लिए? चीफ मिनिस्टर को किसने मना किया एफआईआर दर्ज करवाने के लिए? इन्वेस्टिगेशन होम मिनिस्टर बिठाता है कि नहीं बिठाता है? ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं अभी है। तो आप सवाल उठा रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और उसको सब्सटेंस मिलता है, जैसे ही सब्सटेंस मिलता है तो एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, और अगर सीधा सब्सटेंस होता है तो पहले एफआईआर दर्ज करवाई जाती है फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, लेकिन पहले किसी एजेंसी को लिख दिया जाता है, वो प्रेमे फसाई अगर उसमें पाती है तो एफआईआर लिखवाती है,
इसलिए ये दोनों ही मामले आए हैं और होम मिनिस्ट्री का दायित्व तो बनता है कि अगर कोई ऐसा मामला उनके पास आया है, उन पर एलिगेशन लगाया गया है, तो अपने ऊपर पड़े छींटे तो वो धोएंगे ना एक इन्वेस्टिगेशन करवा कर, तो इन्वेस्टिगेशन वो लिखवा सकते थे आसानी से। संदीप त्रिपाठी, अगर इतना ही अगर इतनी ही जांच की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश थी, असगर असगर खान, अगर इतनी ही जांच की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश हो रही थी तो फिर जांच पहले क्यों नहीं करा ली गई? एनआईए का इंतजार क्यों कर रहे थे आप लोग? रुकिए जरा, मैंने असगर असगर खान सवाल किया, असगर खान ये मामला तो असगर खान, अब श्वेता देखो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा श्वेता कि इससे बिग फेलियर ऑफ सेंटर, आप लोग पूरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रूफ करिए सेंट्रल की गलती है, प्रूफ करिए। मैं आपको अभी, देती हूँ, मैं आपको देती हूँ 50 सेकंड, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं ना, देती हूँ दीजिए, कुछ नहीं मिला तो सेंटर को सुनिए पहले। देखिए मैडम, ये मैडम ये मैडम बोल रही है, पहले तो देखिए, पहले तो ये मैडम बोल रही है, खामोश करिए तो, और जुमलों की गरिमा को रखिए मैडम, आप जुमलों की गरिमा को रखिए, बहुत जरूरी आप, अरे सुन लीजिए आप, एक मिनट खामोश हो जाइए, आप खामोश नहीं होती, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, अरे सेंटर क्या करेगा, आप जुमलों की गरिमा भी क्यों रखिए, औरतों को जरूरत पड़ती है उल्टी की दवाई लेने की, मर्दों को जरूरत नहीं पड़ती उल्टी की दवाई के लिए, जरूरत पड़ती है औरतों को, उल्टी की दवाई औरतों को लेने की जरूरत पड़ती है, आप सवाल मेरा और है, ये उल्टी की दवाई आपने, औरतों को जरूरत पड़ती है उल्टी की दवाई की, मर्दों को नहीं पड़ती। आप एक चैनल पे बैठी है, आप एक जिम्मेदार है, आप एक जिम्मेदार है, बीजेपी के जिम्मेदार औहदे पे है, आप ऐसी चैनल पे बैठ के बात कर रही हैं, उल्टियों की दवाई, उल्टी की दवाई औरतों लेती है, मर्द लेते हैं। इधर उधर की बात करते रहे और जब कुछ नहीं बता बचा तो आप आदमी और औरत पर आ गए। यही तो आप लोग की सोच है ना, यही तो आपकी मानसिकता है, जब सीधे सवाल कर लो तो बुरा लग जाता है और जवाब दे नहीं पाते तो उठपटांग बातें करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल आप सभी मेरे साथ 5 के प्रहार में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।